मैं हूं नुमान सत्तार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। आइंदा बजट में महंगाई में पिसे कैनेडियन शहरियों के लिए अहम इकदाम किए गए हैं। कैनेडियन वजीर खजाना का कहना था कि बजट में सेहत और माहौल दोस्त मीशत के लिए अहम सरमायाकारी की जाएगी। बजट महंगाई को कम करने और इसके असरात से निमटने के लिए डिजाइन किया गया है। यूक्रेन में अमन के लिए चीन की कोशिशें हालात मजीद खराब कर सकती है। कैनेडियन वजीर खारजा का कहना है कि रूसी सदर के पास वाहिद रास्ता है कि वो हथियार डाल दें। कैनेडियन नायब वजीर आजम का कहना था कि रूस के हामी जंगी मुजरिमों की हिमायत कर रहे हैं। टोरंटो के साबिक पुलिस चीफ मार्क साउंडर्स मेयर की दौड़ में शामिल। साउंडर्स 2015 से 2020 तक टोरंटो के पुलिस चीफ रहे। तर्जुमान के मुताबिक साउंडर्स ज्यादातर वक्त आवाम के साथ गुजार रहे हैं। ट्रंप के मुजाहिरों की कॉल से निमटने की बाइडेन इंतजामिया की तैयारियां। साबिक सदर ट्रंप पर बुध के रोज फर्द जुर्म आयद हो सकती है। मैनहट्टन की अदालत के अतराफ सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों के बदतरीन असरात से अब भी बच सकती है। अक्वामे मुत्तहिदा की नई रिपोर्ट के मुताबिक 2035 तक ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में 60% तक कमी लाना होगी। जहरीली गैसों के अखराज में कमी से इस सदी के वस्त में हालात बेहतर हो सकते हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Shawarma, now serving from four locations. कनाडा की वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड का कहना है कि आइंदा हफ्ते पेश होने वाले बजट में महंगाई से निमटने के लिए खसूसी इकदाम किए गए हैं। कनाडा अब भी दीगर G7 ममालिक के मुकाबले में अच्छी इक्तसादी हालत में है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। कनाडा की वजीर ख़जाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड का कहना है कि अगले हफ्ते के बजट में शरह सूद और अफरात ज़र की वजह से पिसे हुए कैनेडियंस की मदद के लिए अहदाफ़ इकदाम की पेशकश की जाएगी, लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि विफाकी हुकूमत हर किसी की मदद करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। फ्रीलैंड ने ओशावा ऑन्टेरियो में कहा, उन कैनेडियनों के लिए जो बढ़ती हुई कीमतों के काटने को सबसे ज़्यादा शिद्दत से महसूस करते हैं, हमारे सबसे ज़्यादा कमज़ोर दोस्तों और पड़ोसियों के लिए हमारी हुकूमत इजाफी हदफ शुदा अफरात ज़र में रिलीफ फराहम करेगी। ये हिमायत महदूद तौर पर मरकूज़ और माली तौर पर जिम्मेदार होगी। सच यह है कि हम हर एक कैनेडियन को अफरात ज़र के तमाम असरात या बुलंद शरह सूद के लिए मुकम्मल तौर पर मुआवजा नहीं दे सकते,
ऐसा करने से सिर्फ अफरात ज़र मजीद ख़राब हो जाएगा और शरहों को ज़्यादा देर तक मजबूर किया जाएगा। क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि अगले हफ्ते का बजट महंगाई को मजीद बदतर बनाने से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि अभी सेहत की देखभाल और कनाडा की माहौल दोस्त मईशत की तामीर में अहम सरमायाकारी की गई है। उन्होंने कहा माली जब्त का मुजाहरा करते हुए और आज अफरात ज़र की आग पर ईंधन न डालकर हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हम आने वाले सालों के लिए कैनेडियन और कनाडा की मईशत में जिम्मेदारी के साथ सरमायाकारी कर सकते हैं। क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि जबकि सुस्त पड़ती हुई आलमी और कनाडा की मईशतें उसे मनफी इक्तिसादी असरात को दूर करने के लिए कम आमदनी के साथ छोड़ती हैं, कनाडा अब भी दीगर G7 ममालिक के मुकाबले में अच्छी इक्तिसादी हालत में है। उन्होंने कहा कि बजट तहम्मुल को अपनाएगा क्योंकि मौशी सुस्त रवि के मुश्तरका असरात और वबाई अमराज के दौरान मौशी मदद फराहम करने की लागत का मतलब है कि वफाकी हुकूमत की खर्च करने की सलाहियत लामहदूद नहीं है। कनाडा की वज़ीर ख़ारिजा मेलानिया जोली का कहना है कि यूक्रेन में अमन के लिए चीन की कोशिशें मुमकिन तौर पर रूस को दोबारा मुसल्ला करने और तनाज़े को तोल देने में मददगार साबित होंगी। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कनाडा की वज़ीर ख़ारिजा मेलानिया जोली का कहना है कि यूक्रेन में अमन के लिए चीन की कोशिशें मुमकिन तौर पर रूस को दोबारा मुसल्लह करने और तनाज़े को तूल देने में मददगार साबित होंगी। एक बयान में जोली ने कहा कि जंग को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के पास है कि वो अपने हथियार डाल दें और यूक्रेन से निकल जाएं, और मास्को पर इल्ज़ाम लगाया कि वो बीजिंग का रुख झूठी बुनियाद पर कर रहा है। उनका कहना था कि कोई गलती ना करें, रूसी हुकूमत दोबारा सप्लाई भर्ती और दोबारा हमला करने के लिए वक्त खरीद रही है। रूस की जानिब से यूक्रेन की सरजमीन से अपनी फौजों के इनखिला पर जंगबंदी की पेशनगोई नहीं की गई है। इससे पहले कि इसके नुकसान मजीद बढ़ जाएं, तनाज़े को मुंजमित करके पुतिन के एजेंडे को पूरा करेगा। कनाडा की नायब वज़ीर आज़म क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि वो शी जिनपिंग के मकासद पर तबसरा नहीं करेंगी, लेकिन सबको यूक्रेन पर मास्को के गैर कानूनी और वहशियाना हमले पर आवाज़ उठानी चाहिए। उन्होंने कहा इस हमले की जिम्मेदार जंगी मुजरिम है। दुनिया में हर एक की जिम्मेदारी है कि वो इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह हो। दुनिया के तमाम ममालिक पुतिन की जंग की नाकामी में बिल्कुल वाज़ेह दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि यूक्रेन पर पुतिन का हमला कवानीन पर मबनी बैन अल-अक़वामी निज़ाम के लिए एक नस्ल में सबसे मजबूत चैलेंज है। फ्रीलैंड ने यह भी नोट किया कि बैन अल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने गुज़िश्ता जुमे को पुतिन के खिलाफ जंगी जराइम के इल्ज़ामात का सामना करने के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि जो ममालिक रूस की हिमायत का इंतखाब करते हैं वो जंगी मुजरमों की हिमायत कर रहे हैं और एक जंगी जुर्म है। कनाडा और G7 में शामिल दीगर ममालिक ने गुज़िश्ता अक्टूबर से कहा है कि वो यूक्रेन को इंसानी और फौजी इमदाद के साथ जितना वक्त लगेगा की हिमायत करेंगे। साबिक पुलिस चीफ मार्क साउंडर टोरंटो के अगले मेयर बनने की दौड़ में शामिल होंगे। जॉन टोरी के अचानक इस्तीफे देने के बाद साउंडर का नाम मुमकिन उम्मीदवार के तौर पर तेजी से सामने आया। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। साबिक पुलिस चीफ मार्क सैंडर्स टोरंटो के अगले मेयर बनने की दौड़ में शामिल होंगे। उनकी मुहिम के तर्जुमान उसकी रात में तस्दीक की है। सैंडर्स ने 2015 से 2020 के मौसम गर्मा में अपने इस्तीफे तक टोरंटो के पुलिस चीफ के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 2020 के मौसम खिजा में इसका नाम डग फोर्ड हुकूमत की COVID-19 वैक्सीन टास्क फोर्स में शामिल किया गया था, जो इस बात को यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदार थी कि सूबे भर में वैक्सीन को तेजी से तकसीम और उनका इंतजाम किया जाए। वो जून के सूबाई इंतखाबात में प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव के बैनर तले हिस्सा ले रहे थे, लेकिन लिबरल स्टीफनी बोमन के हाथों तकरीबन 1800 वोटों से शिकस्त खा गए थे। इस वक्त उन्होंने कहा कि उनका सियासी करियर खत्म हो चुका है। तहम गुज़िश्ता माह जॉन टोरी के अचानक इस्तीफा देने के बाद सैंडर्स का नाम को मुमकिन उम्मीदवार के तौर पर तेजी से सामने आया है। पिछले हफ्ते एक तर्जुमान ने कहा कि सैंडर्स टोरंटो भर की कम्युनिटी से बात करने में वक्त गुजार रहे हैं और एक मुकाबले पर सख्ती से गौर कर रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा वो सुन रहे हैं कि कम्युनिटी की हिफाजत इस वक्त पूरे शहर में सबसे बड़ा मसला है, वो फिक्रमंद है। अक्टूबर के बलदियाती इंतखाबात में 31 अफराद ने मेयर के लिए इंतखाब लड़ने के लिए इंदराज किया। हालांकि ये कयास आरायाँ की जा रही हैं कि खुली दौड़ के नतीजे में और भी ज्यादा उम्मीदवार हो सकते हैं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुद की गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनों को मुल्क गिर मुजाहरों की कॉल से निमटने के लिए बाइडन इंतजामिया ने तैयारियां कर ली। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गोशवारों में हेर फेर के मामले पर अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर करते हुए अपने कारकुनों को एहतजाज के लिए तैयार रहने की हिदायत की थी, जिससे निमटने के लिए बाइडन इंतजामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और मुतालिका हुक्काम को
अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि अब दोबारा 6 जनवरी जैसे वाकयात होने का कोई इम्कान नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्कूरा केस में साबिक सदर ट्रंप पर बुध के रोज फर्द जुर्म आयद हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो वो मुजरिमाना कानूनी चारा जोई का सामना करने वाले पहले साबिक अमरीकी सदर बन जाएंगे। दूसरी जानिब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें 2016 में फहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,00,000 की रकम अदायगी की तहकीकात के नतीजे में मंगल को गिरफ्तार किया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर 2016 के इंतखाबी मुहिम में अमरीकी अदाकारा स्टार स्टॉर्मी को रकम देने के केस में पीर की रात या बुध को फर्द जुर्म आयद की जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने गिरफ्तारी की सूरत में हामियों को एहतजाज की कॉल भी दी हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क अदालत की ग्रैंड ज्यूरी की जानिब से साबिक सदर ट्रंप पर पीर या बुध को फर्द जुर्म आयद की जा सकती है। मैनहट्टन की अदालत के अतराफ से सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। न्यूयॉर्क मेयर एरिक एडम्स का कहना है कि हम सोशल मीडिया पर तबसरों की निगरानी कर रहे हैं। महकमा पुलिस इस बात को यकीनी बनाने के लिए अपना मामूल का किरदार अदा कर रहा है कि शहर में कोई नामुनासिब कार्रवाई ना हो। हमें यकीन है कि हम ऐसा करने के काबिल हो जाएंगे। फर्दे जुर्म आयद होने की सूरत में ट्रंप का केस किसी भी मौजूदा या साबिक अमरीकी सदर पर मुजरिमाना इल्ज़ाम लगने का अमरीकी तारीख का ये पहला केस होगा। ट्रंप के वकला के मुताबिक अगर साबिक अमरीकी सदर पर फर्द जुर्म आयद की जाती है तो उनकी गिरफ्तारी के लिए चंद तरीक़ाकार पर अमल किया जाएगा। साइंसदानों ने रिपोर्ट में बताया है कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचना मुमकिन है, मगर इसके लिए दुनिया को इकट्ठे मिलकर 2035 तक ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में 60% तक की कमी लाना होगी। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों के बदतरीन असरात से अब भी बच सकती है। ये इंतबाह अक्वाम मुतहदा के मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कायम बैनुल हुकूमती पैनल ने एक नई रिपोर्ट में किया। IPCC के साइंसदानों ने रिपोर्ट में बताया कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचना मुमकिन है, मगर इसके लिए दुनिया को इकट्ठे मिलकर 2035 तक ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में 60% तक कमी लाना होगी ताकि दर्जा हरारत में इजाफे को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद किया जा सके। IPCC की जानिब से छठी तजियाती रिपोर्ट जारी की गई जिसमें मुतादिद तहकीकी रिपोर्ट्स को इकट्ठा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि 2014 में जारी की गई 5वीं रिपोर्ट के तखमीने के बरक्स मौसमियाती असरात ज्यादा बदतरीन साबित हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में शदीद मौसमियाती वाकयात जैसे हीट वेव्स, कहत साली, बारिशों और सैलाब वगैरह की शरह में इजाफा हुआ है, जबकि समंदरों की सतह भी बढ़ रही है। ये सब असरात एक सदी से ज्यादा अरसे से खाम ईंधन को जलाने का नतीजा है, जिसके बायस आलमी दर्जा हरारत सनती अहद से पहले के मुकाबले में 1.1 सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। महक्कीन ने बताया कि मौसमियाती असरात की शिद्दत बहुत तेजी से बढ़ रही है, जबकि इससे बचने के लिए इकदाम जैसे ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में कमी के लिए कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में कुछ अच्छी खबरें भी हैं। अगर तमाम ममालिक जहरी गैसों के अखराज में कमी लाएं तो इस सदी के वस्त में हालात बेहतर हो सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ऐसा मुमकिन होता है तो उसके एक दहाई या उसके बाद जमीन का दर्जा हरारत मुस्तहकम होने लगेगा। उनका कहना था कि जितनी जल्दी हम इकदाम करें उतनी जल्दी हम मौसमियाती असरात से बच सकेंगे। रिपोर्ट में इस हवाले से चंद सिफारिशात भी की गई, जैसे माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल या काश्तकारी के तरीकों में तब्दीली को अपनाने पर जोर दिया गया। माहरीन ने बताया कि माहौलियाती हालात बेहतर होने से मौसम बेहतर होगा, जबकि दुनिया को दीगर फवायद भी हासिल होंगे। उन्होंने मजीद बताया कि सनती सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड के खराज में कमी से सेहत के लिए नुकसानदेह फिजाई आलूदगी की शरह कम होगी, जबकि शहरों में सब्जा बढ़ाने से लोगों का मयार जिंदगी बेहतर होगा। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।